हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम जो था उसका पार्ट नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर आज 3 देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल कितना 150 क्वेश्चन देख लिए हैं। 150 टोटल क्वेश्चन देखे थे, आज 151 से चलेंगे। सभी में पार्ट नंबर 1 में 50 क्वेश्चन, फिर 2 में और 3 में, इस तरह से पार्ट नंबर 3। आज इसका पार्ट नंबर 4 है और लास्ट। आप लोग को जैसे बताया गया था कि 200+ ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा इस चैप्टर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, फेफड़ा से या गिर्द से, श्वास नलिका से या वृक्क से। चलिए आंसर आप लोग दीजिए लाइव सेक्शन में, और जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। अपने आपके पास जितने भी ग्रुप होगा सभी में आप लोग शेयर कर दीजिए। बिहार के हर एक छात्र और छात्राओं के पास आप लोग शेयर करिए जो मैट्रिक बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग 151 नंबर का। और जो नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, यकृत से जो है यूरिया जो है रक्त कहाँ से प्रवेश करती है, तो यकृत से। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में आइए। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या ग्रास नली में। तो जो है पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग दीजिए तो जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। चलिए 53 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर में है कि दंत स्थित के कारण है मीठी चीज खाने का, मीठी चीज का खाना या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना या दांतों की सफाई ना करना या इनमें से सभी। तो दंत अस्थित क्षय का जो कारण है वह इनमें से सभी कारण है, मतलब तीनों कारण है, मीठी चीज का भी खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का भी निर्माण करना और दांतों की सफाई ना करने से भी क्या होता है, दंत स्थित क्षय का आप शिकार हो सकते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आइए। 54 नंबर में है जंतुओं की अपेक्षा पौधे की वृक्क, पौधे में श्वसन की गति होती है, जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति कैसी होती है, धीमी होती है, तीव्र होती है या कभी धीमी कभी तीव्र या इनमें से कोई नहीं। देखो जंतु की अपेक्षा पौधे का श्वसन की गति जो होती है वह क्या होती है, धीमी होती है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं 155 नंबर की ओर। 155 नंबर में है कि कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है हरित लवक में, अंतर्द्रव जालिका में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में। तो यह कहाँ पूर्ण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए 156 नंबर की ओर आइए। 156 नंबर का क्वेश्चन है कि मत्र का पीला रंग इनमें से किस उपस्थिति के कारण होता है, मत्र नहीं होगा, मूत्र होगा, मूत्र का पीला रंग इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यूरिया का, यूरिक अम्ल का और नीथिन का या यूरोकोम का। तो यह जो है यूरिक अम्ल के कारण होता है, यूरिक अम्ल के कारण। चलिए अगला देखिए 157 नंबर की ओर। 157 नंबर है कि टिड्डा तथा तिलचट्टा के श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, जो टिड्डा होता है और तिलचट्टा जो होता है उसका श्वसन अंग कहाँ से होता है, ट्रेकिया द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा या कोशिका झिल्ली द्वारा।
चलिए जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए लाइव सेक्शन में आंसर जरूर देते जाइए, और जो बाद में देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते जाइए। उससे आप लोग का पता चलेगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आपको याद है और कितना नहीं याद है। और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए सभी के पास, तथा जो नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, ट्रेकिया द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158 नंबर की। 158 नंबर में निम्नलिखित में निम्नलिखित कौन सीधे बाइकोस या एल्वियोलाई में खुलती है, श्वास नली, श्वसनी या फिर श्वासनिका या फिर वायु कोष्ठ की वाहिनी। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायु कोष्ठी वाहिनियाँ हो जाएगा। चलिए 159 नंबर की ओर आइए। 159 नंबर में है कि दाएं अलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को कहते हैं, द्वि कपाट या मिट्रल कपाट या त्रिदली कपाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिदली कपाट। चलिए 160 नंबर की ओर आइए। 160 नंबर में है कि फुस सिराकाओं में प्रवाहित रक्त होता है शुद्ध अशुद्ध दोनों मिश्रण का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दो, शुद्ध हो जाएगा। चलिए 161 नंबर की ओर। 161 नंबर में है कि मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जठर ग्रंथि को, लार ग्रंथि को या किद्र को या आंत्र ग्रंथि को। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत को। चलिए 162 नंबर की ओर आइए। 162 नंबर में है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा या भोजन रसधानी द्वारा या कुटपाद द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कोशिका मुख द्वारा। चलिए 163 नंबर की ओर आइए। 163 नंबर में है अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े या डायटम एवं एक कोशिकीय जीव या बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो अमीबा का मुख्य भोजन कौन है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी जो है मुख्य भोजन है। 164 नंबर की ओर आइए। 164 नंबर में एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कने की गति होती है, एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कने की गति कितनी होती है, 5 से 60 प्रति मिनट या 60 से 70 प्रति मिनट या 70 से 80 प्रति मिनट या 80 से 90 प्रति मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 से 80 प्रति मिनट होता। चलिए 165 नंबर की ओर आए। 165 नंबर में है के समानतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्न में कौन नहीं उपस्थित होता है, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल या एल्बुमिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बुमिन जो होता है उपस्थित नहीं होता है। चलिए 166 नंबर की ओर आइए। 166 नंबर में है कि डायलाइजर में प्रयुक्त सेलोफोन नामक रचना होती है, अप्रागमय या अर्धप्रागमय या आंशिक प्रागमय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंशिक प्रागमय हो जाएगा। चलिए 167 नंबर की ओर आइए। 167 नंबर में है कि मानव शरीर में की कौन सी रचना वक्ष गुहा में उदर गुहा से अलग होती है, डायफ्राम या पसलियां या फिर प्लूरल मेब्रेन या फिर पैरा प्राइटल मेब्रेन। तो इसके आंसर हो जाएगा डायफ्राम जो होता है वह वक्ष गुहा से उदर गुहा में अलग करती है। चलिए 168 नंबर की ओर आइए। 168 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है,
नसिका छिद्र या श्वास नली या गिल्स या रक्त? तो इसका आंसर हो जाएगा गिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 169 नंबर की ओर। 169 नंबर में है चलिए 169 नंबर में देखिए है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? उत्पाद द्वारा, सीलियम द्वारा, या भोजन रसधानी द्वारा, या पिनोसाइट द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद द्वारा होता है। चलिए 170 नंबर की ओर है। 170 नंबर में है प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिक या फिर क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो क्या जी? क्लोरोफिल। चलिए 171 नंबर की आइए। 171 नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। चलिए 172 नंबर की ओर है। 172 नंबर में है कि लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है? लाल कणिकाएं का, रक्त पट्टी कानों का, या कुछ प्लाज्मा प्रोटीन का, या इनमें सभी का अभाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का अभाव होता है। चलिए 173 नंबर की ओर है। 173 में है मानव हृदय में कितने बेसम कि शिथिलन कहलाता है? डायस्ट्रॉल या सिस्ट्रॉल या हृदय संकुचन या तालबद्ध संकुचन? तो इसका आंसर डायस्ट्रॉल कहलाता है। चलिए 174 नंबर की ओर आइए। 174 नंबर में है कि पेप्टॉइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में, या पॉलीपेप्टाइड्स में, या न्यूक्लियस ओटाइडस में? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीपेप्टाइडस में जो है तोड़ता है। चलिए 175 नंबर की ओर आइए। 175 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? श्वसन। चलिए 176 नंबर की ओर देखिए। 176 नंबर में है कि एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? डायलाइजर या डायलाइसेट या सेलोफोन या हीमो डायलिसिस? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? हीमो डायलिसिस कहलाता है। 177 नंबर की ओर आइए। 177 नंबर में है कि मूत्र वाहिनियों के मुख से मूत्र मार्ग के त्रिकोण क्षेत्र को क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी की श्रेणी, या वृक्क शंकु, या फिर मूत्राशय का ट्राइगोन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूत्राशय का ट्राइगोन कहलाता है। चलिए 178 नंबर की ओर देखिए। वाष्पोत्सर्जन एक है शारीरिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, या परिस्थितिक क्रिया? तो वाष्पोत्सर्जन जो है हुआ शारीरिक क्रिया है। चलिए 179 नंबर की ओर देखिए। 179 नंबर में है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन तंत्र का मुख्य अवयव है? रक्त है, हृदय है, रक्तवाहिनी है, इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 180 नंबर की ओर आइए। 180 नंबर में है कि समानता उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है? अलग अलग, साथ साथ, कभी साथ कभी अलग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा प्यारे बच्चों? दीजिए तो साथ साथ हो जाएगा। चलिए 181 नंबर की ओर आइए। 181 नंबर में है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल को विखंडित के फलस्वरूप निर्माण होता है सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी निर्माण होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रक्त, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? जो लाल रक्त कोशिका होता है उसका दूसरा नाम क्या है? इरिथोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स या रक्त पर्टिकानु या मोनोसाइट। और जो भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, साथ ही साथ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यह वीडियो सभी बिहार के जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र तैयारी कर रहे हैं सभी के पास आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, सभी छात्र छात्राओं के पास। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए प्यारे बच्चों। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरिथोसाइट्स। चलिए 183 नंबर की ओर आइए। 183 में है कि इनमें से कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए 184 नंबर की। 184 नंबर में है कि मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस, हीमो डायलिसिस या कोशिका डायलिसिस या लाइजर। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस कहलाता है। चलिए 185 में आइए। 185 क्वेश्चन कहता है कि कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली के, कोशिका भित्ति के या जीव द्रव के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव के। चलिए 186 नंबर की ओर है। 186 नंबर में पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा या कॉर्ट्रेस द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्ट्रेस द्वारा। चलिए 187 नंबर की ओर, 187 नंबर की ओर आइए कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या एक कोशिकीय पौधे में? तो वह फ्लोएम में पाया जाता है। चलिए 188 नंबर की ओर। 188 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? जीवाणु, कवक, जीव, सजीव या सभी हरे पौधे? सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी जो होते हैं वह सभी हरे पौधे होते हैं। जो कैसा होते हैं? स्वपोषी होते हैं। चलिए 189 नंबर की ओर आइए। 189 नंबर में है कि पौधे में गैसों यानी कि CO2 एवं O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? रंध्रों से या वात रंध्रों से या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। चलिए 190 नंबर की ओर आइए। 190 नंबर में है कि मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वह लगभग कितना प्रतिशत? 2% होता है। चलिए 191 नंबर की ओर आइए। 191 नंबर में रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत होती है? 90%, 0.5%, 0.18% या 7%? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7% होती है। चलिए 192 नंबर की ओर। 192 नंबर में है मनुष्य में बाह्य नसिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? नसिका वेशम में या प्राग्मिक कोष्ठम में या फिर इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा नसिका वेशम में खुलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 193 नंबर की ओर। 193 नंबर में है कि प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10, 100 या फिर लगभग कितना? 10,000 या फिर लगभग 10 लाख। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर लगभग 10 लाख हो जाएगा। 193 हो गया। 194 में आइए। 194 में है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या कहलाती है? ब्रोमेंट समटूस या ग्लोमेरुलस या अधिरोही चाप या संग्रह ग्राहक नलिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
वोमिट संपुट हो जाएगा। चलिए 195 नंबर की ओर आइए। 195 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है? लाइब्रिनोज या फिर प्रोथेलिसन या हिपेरिन या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए 196 नंबर की ओर आइए। 196 नंबर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है रक्त प्लाज्मा में, रक्त कणिकाओं में, या श्वेत रक्त कणिकाओं में, या रक्त पटिकाणु में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त लाल रक्त कणिकाओं में ऊपर। चलिए 197 नंबर की ओर आइए। 197 नंबर में है मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? शीर्ष से, निचले भाग से, या हाइलम से, या निश्चित निश्चित स्थान से? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइलस से निकलती है। चलिए 198 नंबर की ओर आइए। 198 नंबर में पौधे में सूर्य प्रकाश में अवशोषित करने की क्षमता होती है क्लोरोफिल वर्ण से, रंध्रों से, या इनमें सभी कोशिकाओं से, या परिवहन संघ? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल वर्णकों से होता है। 199 नंबर की ओर आइए। 199 नंबर में है कि खनिज लवणों को अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, आयन के रूप में, या इनमें से कोई, इनमें से सभी रूप में? तो यह करते हैं आयन के रूप में। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? सिस्मोग्रोमीटर, या लैक्टोमीटर, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या स्टेरोथोस्कोप? तो इसको कहते हैं सिस्मोग्रोमीटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिस्मोग्रोमीटर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर का कितना क्वेश्चन देख लिए? टोटल 200 क्वेश्चन देखे हैं सिर्फ पहला चैप्टर का, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का। तो इससे बाहर आप लोग का ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाएगा? एक चैप्टर का इतना क्वेश्चन बना, तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाएगा? तो आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह, और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी मज़ा आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा इसमें लाइव सेक्शन में। चलिए, तो आप लोग शेयर करने में कमी नहीं कीजिए, सभी ग्रुप ग्रुप में आप लोग शेयर करते रहिए। आपके पास जितने भी ग्रुप, बिहार के जितने भी छात्र और छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास आप लोग शेयर करते रहिए, ताकि वो भी जुड़े इस चैनल से। और जो भी प्यारे बच्चे न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करते रहिए। तो चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप जितने भी बच्चे जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल, बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।